गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग चंदा, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा चंदा, अभी कौन सी यूनिट चल रही है जुलाजी में? मैम सेक्शन बी चल रहा है, सेक्शन बी बी तो एक ही पेपर चल रहा है या दो पेपर चल रहे हैं? एक ही चल रहा है मैम। अच्छा बेटा, तुम लिख रहे नोट्स भी लिख रहे हो बेटा उसमें? हाँ मैम, तो ऑन रखते हो क्या वीडियो? ऐसे आपने अभी तो आपका ऑफ दिखा रहा है वीडियो, तो ऑन रखते हो बेटा अभी उस समय जब नोट्स लिखते हो, या ऑफ ही रखते हो? मैम ऑफ ही रखते हैं, बस मैम बोलती है वो लिख लेते हैं हम। अच्छा, ठीक है। चंदा शर्मा, भावना चेल्सी और यानी ममता शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग पायल बोल रहे हैं? पायल गुड मॉर्निंग। क्या यस मैम। बेटा, लगा दी पायल आपकी, निर्मला की लगा दी, चंदा शर्मा, भावना चेल्सी, ममता शर्मा और पायल राज। अब कब टेस्ट हो रहे हैं बेटा? आप लोगों के टेस्ट फिर हैं क्या अक्टूबर में, सितंबर में फिर हैं क्या आपके कोई टेस्ट, या अक्टूबर में है?
अभी कौन आया, प्रीति जांगीर और रेखा चौधरी। चंदा चलावरिया, सुभन चौधरी, मीनू कुमारी बैरवा। तनुश्री सोलंकी, तनुश्री, और ये है निकिता शर्मा।
पिंकी चौधरी की प्रेजेंट लगा दो। लगा दी बेटा, पिंकी चौधरी की लगा दी, कंचन चौधरी की लगा दी, अंजलि सोनी की लगा दी, और अब आइए पूजा कुमार। मैम मीनू की प्रेजेंट लगा देना। हाँ मीनू कुमारी बैरवा बेटा लगा दी आपकी, मीनू कुमारी बैरवा। छाल अपन बात करते हैं, स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क, छाल से प्राप्त मसाले कौन कौन से हैं? तो एक है दालचीनी, सिनेमोम। दालचीनी को क्या कहते हैं? सिनेमोम। दालचीनी का बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नेम क्या है? सिनेमोमम, सिनेमोमम जेलेनिकम, सिनेमोमम जेलेनिकम, सिनोनिमस सिनेमोमम वेरम। और दालचीनी सिनेमोन कौन से कुल में आता है? यह है कुल लॉरेसी में आता है। कुल कौन सी है? फैमिली लॉरेसी। अब दालचीनी सिनेमोन की उत्पत्ति व वितरण क्या क्या है? तो यह सिनेमोन श्रीलंका तथा दक्षिणी भारत का स्थानीय पादप है। दालचीनी का व्यापार पूर्व ऐतिहासिक काल से किया जाता रहा है। पूर्व में अरब लोग दालचीनी का व्यापार स्थल मार्ग से अरेबिया तथा वहां से इजिप्ट तथा यूरोप को करते थे। इसके बाद सिनेमोन दालचीनी का व्यापार पुर्तगालियों, डच तथा अंग्रेजों के हाथों में चला गया। एक मिनट, मोनिका को एडमिट कर देती हूँ। मोनिका वर्तमान में दालचीनी का पादप बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिणी अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में उगाया जाता है। श्रीलंका विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करता है तथा श्रीलंका सबसे बड़ा दालचीनी का निर्यातक भी है। तो इस तरह से अपन आज दालचीनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में दालचीनी की खेती केरल के केनानोर जिले, केरल के केनानोर डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। इसके अतिरिक्त दालचीनी पश्चिमी घाट में भी उगाया जाता है। भारत में दालचीनी सिनेमोन का उत्पादन आवश्यकता अनुरूप नहीं होता, इसलिए इसका आयात किया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द प्लांट कैरेक्टर्स, मतलब किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इस पादप के लक्षण के बारे में बात करते हैं। कौन से पादप की बात चल रही है? दालचीनी के पादप लक्षण क्या क्या है, इसकी बात अपन आपके साथ आज करते हैं डिटेल में। तो सिनेमोमम जीलेनिकम, सिनेमोमम जीलेनिकम पादप सदाबहार छोटे वृक्ष के रूप में होता है, मतलब द प्लांट ऑफ सिनेमोमम, द प्लांट ऑफ सिनेमोमम इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एवरग्रीन ट्री whose length is about
30 to 40 फुट, मतलब जिसकी लंबाई 30 से 40 फुट तक होती है। सिनेमोम का वृक्ष अत्यधिक शाखित होता है। द ट्री ऑफ सिनेमोन इज हाईली ब्रांच्ड। पादप को कटाई छटाई द्वारा झाड़ी नुमा रखा जाता है। पत्तियां बड़ी शर्मिल लैदरी नुकीले शीर्षयुक्त चमकीली गहरे हरे रंग की होती हैं तथा अत्यधिक खुशबूदार होती हैं। पुष्प छोटे तथा पीले रंग के होते हैं, मतलब द फ्लावर्स आर स्मॉल एंड अ येलो कलर। जो शीर्षस्थ अथवा कक्षीय पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं, मतलब पुष्प शीर्षस्थ अथवा कक्षीय पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं। फल एक बीजीय बैगनी या काले रंग के बेरी कहलाते हैं। तो फल क्या होते हैं? द फ्रूट इज कॉल्ड एज बेरी एंड दीज आर वायलेट और ब्लैक इन कलर। अब बात करते हैं दालचीनी के संवर्धन के बारे में, मतलब कल्टीवेशन ऑफ सिनेमोन के बारे में। तो सिनेमोमम पादप विभिन्न प्रकार की मृदा तथा वातावरणीय परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। पादप रेतीली या डोमट मृदा तथा नम उष्ण वातावरण वे 200 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि करता है। सिनेमोन पादप का प्रवर्धन बीजों द्वारा किया जाता है। बीजों को क्यारियों में बोकर पौध तैयार की जाती है, जिनका रोपण वर्षा ऋतु में किया जाता है। रोपण के 2 से 3 वर्ष पश्चात पौधों को आधार से काट दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जड़ों से नए प्ररोह विकसित होते हैं। काटे गए तनों से छाल, जो कि दालचीनी का स्रोत है, को पृथक कर लिया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात इनकी आधार के निकट से कटाई की जाती है। अब बात करते हैं यूजफुल प्लांट पार्ट ऑफ सिनेमोमम, मतलब सिनेमोमम के उपयोगी भाग के बारे में आज आपसे बात करते हैं। इस सिनेमोमम के उपयोगी भाग कौन से हैं? तो पादप की छाल दालचीनी के रूप में प्रयुक्त होती है। तने के दोनों तरफ छाल में एक एक लंबवत चीरा लगाकर इसे लंबवत पट्टियों के रूप में उखाड़ लिया जाता है तथा इन्हें 24 घंटे तक किण्वन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसके पश्चात बाह्य कॉर्की भाग को चाकू की सहायता से पृथक कर दिया जाता है। भीतरी छाल की पट्टियां धीरे धीरे सूखने पर संकुचित होकर भीतर की ओर बेलित होकर मतलब कर्ल होकर पाइप या बांसुरी की आकृति ग्रहण कर लेती हैं। प्रारंभ में छाल दालचीनी पीले भूरे रंग की होती है, जो संग्रहण पर लाल रंग की हो जाती है। तो इस प्रकार सिनेमोमम दालचीनी की छाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 59.5% होती है, वह वसा की मात्रा 2.2% होती है, वह कैल्शियम की मात्रा 1.6% होती है। इसी प्रकार सिनेमोमम दालचीनी की छाल में खनिज तत्व तथा विटामिन उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त 0.5% से
1.5% तक वाष्पशील तेल वॉलेटाइल ऑयल उपस्थित होता है, जिसे सिनेमोन शाल तेल सिनेमोन बार्क ऑयल कहा जाता है। सिनेमोन तेल का प्रमुख घटक सिनेमिक एल्डिहाइड होता है, जिसकी मात्रा 60-75% होती है, तथा अल्प मात्रा में यूजिनॉल भी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त इसकी पत्तियों से भी तेल प्राप्त होता है, जिसे सिनेमोन लीफ ऑयल कहते हैं, तथा इसका प्रमुख घटक यूजिनॉल होता है, जिसकी लगभग 70-95% मात्रा इसमें उपस्थित होती है। तो इस प्रकार अपन ने क्या देख रहे हैं, आज सिनेमोन की बात कर रहे हैं, तो इसके अपन अब यूजेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिनेमोमम, सिनेमोमम के उपयोग क्या क्या हैं? तो पहला उपयोग है अत्यधिक रुचिपूर्ण सुगंध व स्वाद के कारण विभिन्न व्यंजनों जैसे मांस, सब्जियां, मिष्ठान तथा अन्य भोज्य पदार्थों को सुगंधित करने में सिनेमोन का दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। कड़ी पाउडर के घटक के रूप में तथा गर्म मसाले के घटक के रूप में भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। सिनेमोन तेल केक तथा पेस्ट्री व आइसक्रीम में प्रयुक्त किया जाता है। तेल का उपयोग इत्र, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधनों, साबुन व टूथपेस्ट में भी किया जाता है। सिनेमोन के तेल में औषधीय गुण भी होते हैं, जो दस्त व अतिसार, डायरिया एंड डिसेंट्री में लाभदायक होता है। अब बात करते हैं अबाउट द स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से प्राप्त मसाले। एक है तेजपात का नाम सुना है, इसको कहते हैं इंडियन केसिया। तो बेटा आपके कोर्स में कुछ मसाले भी हैं, तो उनमें से इन्होंने कुछ मसाले, कैप्सिकम की बात अपन ने आपसे कल करी ली थी, अब क्यूमिन की भी बात करेंगे इसके बाद, एंड अभी बात कर रही हूँ स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, तेजपात, इंडियन केसिया। तो तेजपात का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है सिनेमोमम टमाला, और कुल कौन से कुल में आता है? कुल है, फैमिली है लॉरेसी। तो यह पादप तेजपात बर्मा का स्थानीय वासी है, मतलब दिस इज इंडिजिनस टू बर्मा। पादप छोटे वृक्ष के रूप में होता है तथा मुख्य रूप से आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। तेजपात की पत्तियां बड़ी चमकीली हरे रंग की होती हैं तथा खुशबू युक्त होती हैं, जिन्हें तेजपात कहा जाता है, मतलब इसकी छाल से चाइनीज सिनेमोन अथवा चाइनीज दालचीनी प्राप्त होती है। इसकी छाल के आसवन से केशिया तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो इंडियन केशिया तेजपात की पत्तियों में फिक्स्ड ऑयल, स्थिर तेल, वाष्पशील तेल वॉलेटाइल ऑयल, टैनिन, रेजिन आदि पदार्थ होते हैं। वाष्पशील तेल का प्रमुख घटक सिनेमिक एल्डिहाइड होता है, जिसकी 80-95% मात्रा पाई जाती है, जो खुशबू व स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं तेजपात के उपयोग के बारे में, अबाउट द यूजेस ऑफ इंडियन केसिया। तो तेजपात की
शुष्क पत्तियां मसाले के रूप में, विशेष रूप से गरम मसाले के घटक के रूप में तथा पुलाव राइस को सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है तेजपात की पत्तियां औषध के रूप में उदर रोग कॉलिक पेन, अतिसार, डायरिया तथा जोड़ों के दर्द, रूमेटिज्म के उपचार में भी प्रयुक्त की जाती है। तीसरा है इंडियन केसिया, तेज पात का तेल, केशिया ऑयल, साबुन, आइसक्रीम तथा इत्र उद्योग में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसकी छाल से दालचीनी, चाइनीज सिनेमोन प्राप्त होती है, जो मसाले व औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़े आज, देखा इंडियन केशिया, मतलब अपन ने तेजपात के बारे में आज बात करी। तो ये हो गया अपना इंडियन केशिया। तो कौन कौन से मसाले हैं जो अपन ने अभी तक पढ़ लिए? पहले मैंने आपको पढ़ाया था जिंजर के बारे में, देखा था अपन ने अदरक के बारे में, हल्दी, टर्मरिक के बारे में और एसेफोटिडा, हींग के बारे में भी पढ़ा था। आज अपन ने पढ़ा सिनेमोन, मतलब अगर आता है नेम एनी स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क, ऐसे मसाले का नाम बताइए जो छाल से प्राप्त होता है, तो आप कहोगे दालचीनी, और दालचीनी का बॉटनिकल नेम भी लिख दोगे सिनेमोमम जेलियानिकम या जेलेनिकम। और ऐसे मसाले जो कि पत्तियों से प्राप्त होते हैं उसका नाम लिखिए, तो अभी अपन ने चर्चा करी है उसका है तेजपात, इंडियन केसिया। अब मैं आपसे बात करती हूँ स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब ऐसे मसाले जो कि पुष्प व पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होते हैं। तो पहला है लौंग, लौंग की बात करते हैं, मतलब क्लोव। तो लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है? साइजीजियम एरोमैटिकम सिनोनिमस यूजेनिया कैरियोफाइलेटा। लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? साइजीजियम एरोमैटिकम सिनोनिमस यूजेनिया कैरियोफाइलेटा। अब लौंग जो क्लोव है, क्लोव है कौन सी कुल को बिलोंग करता है? तो फैमिली इज मिर्टेसी। अब बात करते हैं उत्पत्ति व वितरण। तो लौंग मोलुका द्वीप, मोलुका आइलैंड का स्थानीय पादप है। यह स्थान पूर्वी इंडोनेशिया में स्थित है। इसे मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड कहते हैं। बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसे मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में इस द्वीप की खोज से पूर्व लौंग के उत्पत्ति स्थल के बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु लौंग का उपयोग बहुत पहले से ही किया जाता रहा है। एक अनुमान के अनुसार चीनवासी लौंग को 3री शताब्दी में उपयोग में लेते थे तथा रोमन व ग्रीक भी लौंग के बारे में जानते थे। 16वीं शताब्दी में 16th century में मोलुका द्वीप के खोज के पश्चात लौंग के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया, परंतु 17th century व 18th century में लौंग के व्यापार पर डच एकाधिकार रहा। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों, मतलब फ्रांस में रहने वाले लोग। फ्रांसीसियों ने लौंग को 1770 ईस्वी में मॉरिशस तथा रीयूनियन में सफलतापूर्वक उगाया तथा यहां से लौंग का प्रसार अनेक देशों में हुआ। 1818 ईस्वी में
लौंग को जंजीवार तथा तंजानिया में भी उगाया जाने लगा तथा ये दोनों देश जंजीवार व तंजानिया अब विश्व के कुल लौंग उत्पादन का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। मालग से या अपन कहेंगे मालग से गणराज्य तथा इंडोनेशिया अन्य मुख्य लौंग उत्पादक देश है। इनके अतिरिक्त श्रीलंका, भारत तथा मलेशिया में भी लौंग का उत्पादन होता है। तो भारत में लौंग को तमिलनाडु व केरल के कुछ भागों में उगाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द प्लांट कैरेक्टर्स, पादप लक्षण। तो लौंग का पादप एक सदाबहार वृक्ष होता है, मतलब द ट्री ऑफ क्लोव इज एन एवरग्रीन ट्री एंड द ट्री इज ब्रांच्ड रेगुलरली। इट इज अबाउट 25 to 40 feet इन हाइट एंड इट इज कॉनिकल इन शेप। लौंग का वृक्ष नियमित शाखित होता है वह 25 to 40 feet ऊंचाई का होता है। वह शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार का मतलब है कोनिकल होता है। तो इस तरह पर्ण जो है, लौंग के जो पर्ण हैं वो कैसे होते हैं, एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ फिर बोल रही हूँ आपको। लौंग लौंग में पर्ण सम्मुख विन्यासित अपोजिट होते हैं, चमकीली हरी होती हैं तथा तेल ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण खुशबूदार होती हैं। मतलब द लीव्स ऑफ क्लोव आर अपोजिटली अरेंज्ड एंड दीज आर ग्रीन इन कलर एंड द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स द लीव्स आर एरोमेटिक इन नेचर। मतलब पर्ण सम्मुख विन्यासित होती हैं, चमकीली हरी होती हैं तथा तेल ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण पत्तियां खुशबूदार होती हैं। पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर पुष्प ससीमाक्ष पुष्क्रम टर्मिनल साइम्स में विकसित होते हैं। जंगली वृक्ष में पुष्प गहरे लाल रंग के होते हैं तथा 3 के समूह में उत्पन्न होते हैं। मतलब इन द वाइल्ड ट्रीज ऑफ क्लोव द फ्लावर्स आर क्रिम्सन रेड इन कलर बट इन द कल्टिवेटेड ट्रीज ऑफ क्लोव द फ्लावर्स आर प्लग्ड बिफोर ब्लॉसमिंग मतलब कल्टिवेटेड ट्रीज क्रश वृक्षों में पुष्पों को खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार अपन आज चर्चा कर रहे हैं पादप लक्षण की, पादप के लक्षण की। एक बार देख लेते हैं, ममता शर्मा आ गई ना, ममता शर्मा आई गई, ठीक है। पुष्प मतलब किसकी बात चल रही है, अपन बात कर रहे हैं क्लोव की, लौंग की। तो लौंग के पुष्प नलिकाकार तथा परिजयांगी एपिगाइनस होते हैं। प्रत्येक पुष्प में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं, तथा एक अधोवर्ती अंडप इंपीरियर ओवरी होती है। फल एक बीजे ड्रूप होता है, द फ्रूट इज कॉल्ड एज ड्रूप, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ क्लोव, मतलब लौंग का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो यह एक उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल पादप है, इसलिए उष्ण व नम जलवायु में अच्छी वृद्धि करता है। अच्छे जल निकास वाली दोमट या काली मृदा उचित रहती है। इसे पौध रोपण द्वारा उगाया जाता है। अगस्त से अक्टूबर के मध्य बीजों को क्यारियों में उगाकर पौध सीडलिंग तैयार की जाती है।
छह माह की पौध गमलों में स्थानांतरित कर दी जाती है तथा इन्हें छायादार स्थानों पर विशेष देखभाल में रखा जाता है। 12 से 18 माह की आयु 12 से 18 माह की आयु की पौध मृदा में स्थानांतरित कर दी जाती है। पादप से 8-10 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक लौंग प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं लौंग के उपयोगी भाग। तो पुष्प कलिकाओं को जब वे हरे रंग की होती हैं, खुलने से पूर्व ही तोड़ लिया जाता है तथा इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है, जिससे ये गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं। इन शुष्क पुष्प कलिकाओं को ही लौंग कहते हैं। लौंग में प्रोटीन, वसा, तंतु, कार्बोहाइड्रेट, वोलेटाइल ऑयल, वाष्पशील तेल तथा खनिज व विटामिन होते हैं। लौंग में 16% वाष्पशील तेल वोलेटाइल ऑयल होता है तथा तेल का प्रमुख घटक यूजिनॉल होता है, जिसके कारण इसमें विशेष खुशबू तथा स्वाद होता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में कैरियोफाइलिन भी उपस्थित होता है। तो अब लास्ट बात करते हैं अपन यूजेस ऑफ क्लोव, उपयोग किसके, लौंग के उपयोग। पहला है लौंग का उपयोग गरम मसाले मतलब में के रूप में भी किया जाता है। मतलब लौंग गरम मसाले का प्रमुख घटक होता है। लौंग के आसवन से लौंग का तेल प्राप्त होता है, जो दांत दर्द में औषध का कार्य करता है। लौंग का तेल टूथपेस्ट तथा माउथ वॉश के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। लौंग में विशेष खुशबू व स्वाद होता है, जिसके कारण इसे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, सब्जियां, सूप, सोप, केट, चप आदि को केचप आदि को सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है लौंग को पान में डालकर चबाया जाता है, जिसका प्रभाव भी उत्तेजक होता है। नेक्स्ट है लौंग का पाउडर बेकरी तथा मिष्ठान में प्रयुक्त किया जाता है। जावा में लौंग से विशेष प्रकार की सिगरेट भी बनाई जाती है। पादप के सभी भागों से यूजिनॉल प्राप्त किया जाता है, जैसे पत्तियों में 2% तथा तने में 4-6% तेल होता है, जिसके उच्च गुणवत्ता वाले तेल को औषधि में व निम्न गुणवत्ता के तेल को साबुन उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह आज अपन ने बात कर ली लौंग की। तो बेटा नेक्स्ट अपने कल भी आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। तो आज अपन किसकी बात करते हैं, जैसे लौंग की बात करी तो इसका कौन सा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अपन कहेंगे लौंग पर एक टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। इसी तरह दालचीनी पे भी एक शॉर्ट नोट लिखिए, लघु टिप्पणी लिखिए। अब दालचीनी पे भी ये क्वेश्चन बन गया, लौंग पे भी ये क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप लौंग की खेती कैसे की जाती है, इसी प्रकार दालचीनी की खेती की जाती कैसे, खेती कैसे की जाती है, ये भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि राजस्थान में उगाए जाने वाले 5 मसालों के वानस्पतिक नाम लिखिए, उनके कुल बताइए तथा उपयोगी भाग लिखिए। तो 5 से ज्यादा ही अपन ने आज डिस्कस कर लिए। कौन सा क्वेश्चन बताया, राजस्थान में उगाए जाने वाले 5 मसालों के वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम, कुल तथा उपयोगी भाग लिखिए। एक हींग की रासायनिक प्रकृति तथा महत्व बताइए, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। हल्दी का रासायनिक संगठन बताइए व हल्दी का उपयोग लिखिए। काली मिर्च का संसाधन व उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बीजों से प्राप्त किसी मसाले पर भी टिप्पणी लिखिए। और निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन, मसालों को परिभाषित कीजिए तथा उनका वर्गीकरण कर, मसालों का वर्गीकरण कर प्रत्येक वर्ग के 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा ऐसे टाइप क्वेश्चन है
राजस्थान में उगाए जाने वाले किन्हीं तीन मसाले के वानस्पतिक लक्षण, प्रवर्धन, उपयोगी भाग व उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए।